Chapter 14. The Three Modes of Material Nature. Hare Krishna. Swagatam, swagatam, swagatam. Suswagatam, suswagatam, suswagatam. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवि संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तापित भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के अनुष्ठान के यह 14वें अध्याय के 14वें सत्र के 14वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद देव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा आयतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी के उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, नित्य वंदनीय, स्मरणीय, पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से निवेदन करते हैं दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवद्वाणी श्रीमद भगवत गीता जो है सुंदर भगवान का गीत है। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, और गीता का अर्थ है गाना। ये सुंदर भगवान का द्वारा गाया हुआ गीत है। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है जो भगवान के हृदय से आने वाला जो है, उनके हृदय में जो दया है, करुणा है, कृपा है जीव के प्रति, इसे दर्शाता है। इस भगवान अपने हृदय से जीव जगत से यह मानो कह रहे हैं, आ घर लौट आ जा, आप मुझसे अलग रह के मुझसे क्यों दूर हो, मुझसे, मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, आप जो है मुझसे प्रेम करो, मुझसे अलग रह के आप कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, आप घर लौट आ जा, मैं जितना सुख अनुभव करता हूँ उससे भी ज्यादा सुख आपको दूंगा,
ये गारंटी है मेरा। तो यह है भगवान का हृदय से आने वाली पुकार। इस अध्याय को जो है भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन परेशान है, क्योंकि उनका एक योजना है जो भगवान के योजना से अलग है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूं। भगवान कहते हैं रुको जरा, मैं बताता हूं कि आप पांडवा नहीं आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मेरे दुश्मन कौरव है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ आपके दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। कामेश क्रोधेश रजगुण समत्वा। तो एक काम क्रोध जो है दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं आपके अपने ये पांडव सेना नहीं है, जगह संसार के कोई व्यक्ति नहीं है, आपके अपने जो है गुरुजन और भगवान है। चौथे पांचवें अध्याय में बताते हैं तदुदीपन निपाते न गुरुजन और भुक्तारम एक सपुतन सुहृद है। ये पांचवें अध्याय में बताते हैं जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है और काम क्रोध हमारे असली दुश्मन है, वो बाहर नहीं अंदर है, और गुरुजन हमारे अपने हैं और भगवान अपने हैं, तो हमें भगवान का योजना पूरा स्पष्ट पता लग जाता है और इसी पे ध्यान लगाना। यह है छठा अध्याय। जब भगवान के योजना में लगते हैं तो और अच्छी तरह से इस योजना को रंग लाने के लिए हमें जो है अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। वो है आर्ट ऑफ लिविंग सातवां अध्याय। जिनका जीवन अच्छा होगा कृष्ण भावना भावित होगा, जिनका जीवन अच्छा होगा कृष्ण भावना भावित होगा, उनका स्मरण अच्छा होगा, और जिनका स्मरण अच्छा होगा उनका मरण अच्छा होगा। यह है आठवां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग। नवा अध्याय में भगवान बताते हैं कि वो भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। यह है आर्ट ऑफ लविंग। और दसवें अध्याय में भगवान बताते हैं आर्ट ऑफ सीइंग, हर जगह पे भगवान को कैसे देखें। यह है दसवां अध्याय। ग्यारहवें अध्याय में बताते हैं कि आर्ट ऑफ फीलिंग, थोड़ा बयावर है पर आर्ट ऑफ फीलिंग, यह है ग्यारहवा अध्याय। बारहवा अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग ब्लिसफुली, आनंद में रहो, ये सारे पूरे भगवद गीता का। 13वें अध्याय से पश्यति 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 18वें अध्याय तक चलता रहेगा। उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है, चर्म चक्षु से नहीं दिखता है, ज्ञान के चक्षु से। 13वें अध्याय में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को देखो, किस प्रकार से ये भौतिक जगत जो है 24 तत्व का बना हुआ है, इसमें फंसा हुआ है। 14वें अध्याय में आज हम देखेंगे कि कारागार में तो 24 तत्व का बन गया है, पर वहां पे उन्हें नाचने के लिए नहीं रखा है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी ब्रेक डांस नहीं, उनको जो है वहां पर हथकड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी से बांधा गया है। आइए, ये 14वां अध्याय बड़ा अलौकिक है, और इस अध्याय को गुणत्रय विभाग योग करके संबोधित किया जा रहा है। आइए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए एक छोटा सा भूमिका को देखते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें तीन भाई को जरा याद करना होगा। ये तीन भाई कौन हैं? त्रेता युग के हम तीन भाई, बड़े प्रसिद्ध तीन भाई। एक है विभीषण, तो दूसरा है रावण, और तीसरा है कुंभकर्ण। ये तीनों का अगर स्मरण करेंगे तो सत्वगुण रजगुण और तमगुण समझ आ जाएगा। विभीषण रोज सुबह जल्दी उठता है, शास्त्र के जो बातें अनुकूल है उसे अपने जीवन में उतारते हैं, शास्त्र के जो बातें हमें निषिद्ध करते हैं उसे वो प्रतिकूल मानकर उसे दूर रहते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये सत्वगुण का लक्षण होता है, वो ग्रंथ अध्ययन इत्यादि करते हैं। रावण
रावण से रजगुण का प्रतीक, रजगुण समझ सकते हैं, जो स्त्री के पीछे जाते हैं, दूसरे के पैसे के पीछे भागते हैं। कुबेर जी का लंका को देखा, बस उसी को अपना बना लिया, कुबेर जी को भगा दिया। और दूसरे रानियों को देखकर, सुंदर राजकुमारियों को देखे, वो कहता था मेरे सपनों की रानी नहीं, मेरे असली जीवन की रानी बन जाए। इस प्रकार के स्त्री और पैसे के पीछे रावण, ये क्या है, रजोगुण। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, जब हमारा मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, तो हम सत्वगुण में है। जब पैसा स्त्री के पीछे भाग रहे, समझ लेना चाहिए रजोगुण। और कुंभकर्ण को आप सब देखते हो किस प्रकार से वो आराम कर रहा है, सो रहा है, ये तमोगुण का प्रतीक है। जब हम सो रहे हैं तो तमोगुण में है, और जग गया तो कुंभकर्ण चिल्लाता है, चीखता है, गाली गलौज करता है। तो यही है, जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है, तो समझ लेना कोई गाली गलौज कर रहा है या सो रहा है, तो तमोगुण के पास में। अरे रजगुण तमगुण और सतोगुण, इसका पास मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं, ये जो है खेल है, इसका नाम है जो नहीं दिखता है उसे देखना, जो इन आंखों से नहीं दिखता है, चर्म चक्षु से नहीं दिखता है, उन्हें देखना। शरीर के बाहर जो है ये रजगुण तमगुण जो है हमें नचाता है, वो बोलेंगे हाथ पांव तो खुला है, पर ये इन आंखों से नहीं, ज्ञान की आंखों से दिखता है। अगर हम प्रसन्न हैं तो फिर से सतोगुण में, अगर हम स्त्री और पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो रजोगुण, और क्रोध में हैं या सो रहे हैं तो तमोगुण। तो यह है कारागार। कारागार के अंदर जो है कैदी को हथकड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी से बांधा जाता है, क्योंकि यह रजोगुण तमोगुण का पास है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक में देखेंगे कि किस प्रकार से बद्ध जीव को कारागार में डाला जाता है और उन्हें तीनों गुणों के द्वारा बांधा जाता है ना, कैदी को जेल में डाल के। तो ये रजगुण तमगुण का लक्षण क्या है, बहुत हो गया, इनसे परे कैसे उगता है, कैदी कैसे आजाद हो सकता है, फिर हम निष्कर्ष देखेंगे, प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे। और इस प्रकार से अब और ज्यादा विलंब ना करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, इस पे गोता लगाते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है, बहुत ही रोचक है, हमारे रोज के जीवन में हम इसे देख सकते हैं। आइए श्री भगवान वाच, व्यास मुनि अब कह रहे हैं कि श्री भगवान वाच, यानी कि कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण कुछ बातें बता रहे हैं। अर्थात हम सबको कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना, सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना सुनते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, एकटक होकर ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण बना देगा, पूरा बदल देगा, दुखी से सुखी। परम भैया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञात्वा मुनया सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि और ध्यान से सुना, और कुछ महत्वपूर्ण बात होता है, ये बातें मैंने पहले भी बताया पर फिर से मैं बताऊंगा, आपके बाद उसी बात को और थोड़ा रोचक तरीके से बताऊंगा, मैं वही परम ज्ञान को बताऊंगा जो कि सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ है, यानी कि राज विद्या, जिसे सुनकर बड़े बड़े जो है, इसे सुनकर क्या लाभ होगा कृष्ण, इसे सुनकर
बड़े बड़े संत महात्मा जो है, यज्ञ अथवा मुनि ऋषि, वो जो है परम सिद्धि को, भगवान जीते जी परम सुख को, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर बात, बताओ बताओ। इस ज्ञान का ये लाभ है, इदम ज्ञानम उपश्रेत्या मम साधर्म्याम आगत सगयापे नोपाजायन्ते प्रलयेन व्यातंती च। इस प्रकार से इस ज्ञान में अगर आप को अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप जो है मेरे जैसे सुख जीते जी प्राप्त करोगे। ये तो मुझसे भी ज्यादा सुख आप प्राप्त करोगे। और जो है और जब प्रलय आएगा, और जब प्रलय आएगा तो आप विचलित नहीं होंगे। अब प्रलय जब आता है तो बड़े बड़े का पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला होता है, और नव द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाता है, क्योंकि इतना भयावह होता है। पर ऐसे समय पर भी आप विचलित नहीं होंगे और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यह है हे कृष्ण, प्रलय सृष्टि, प्रलय सृष्टि, प्रलय सृष्टि। मुझे थोड़ा बताइए कि जीव इस सृष्टि के अंदर आते कैसे हैं। बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। जब दृष्टांत देते हुए बात को समझाएंगे, जब कोई नागरिक सरकार का नियम पालन नहीं करता है और उत्पात मचाता है तो सरकार उसको शाबाशी देता है, नहीं उसे कारागार में डाल देता है। और सरकार कारागार बना के रखता है पहले से, तो कारागार पहले से बनाया रहता है, फिर कैदी को भेजा जाता है। इसी प्रकार से भगवान के इस सृष्टि में बहुत सारे जीव भगवान की बातें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भला वो हमसे सुंदर कैसे? अच्छा वही रासलीला कर सकते हैं, अच्छा हमें भी रासलीला करना। तो भगवान कहते हैं रुको जरा, आप क्या लाइक भौतिक जगत रूपी कारागार बनाए। तो महाविष्णु के शरीर से, रोमकूप से, उनके सांस जब बाहर निकलते तो ब्रह्मांड निकलते हैं, और उस ब्रह्मांड में महाविष्णु दृष्टि डालते हैं काल और जीव, और ये जीव ब्रह्मांड में चला जाते हैं, और इस प्रकार से ये जीव जो है कारागर में आता है। मम योनिर्महाब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारतम्। जिस प्रकार से सरकार मेहनत करके ईंट ये वो सब करके कारागार बनाता है, इसी प्रकार से भगवान पहले से ही कारागार बनाता है 24 तत्व से, और इस प्रकार से भगवान अपने दृष्टि से सारे बद्ध जीव को कारागार में भेजते जाते हैं। भगवान अब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवान्तिया ताशां ब्रह्मा माद्यो निरहं बीज प्रदापितां। भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं वो ब्रह्मांड में आते हैं, पहले वो ब्रह्मा जी बनते हैं, फिर भी अगर नहीं सुधरते हैं तो वो इंद्र बनते हैं उस ब्रह्मांड के, और फिर भी नहीं सुधरते हैं तो पृथ्वी के राजा बनते हैं, फिर भी नहीं सुधरते हैं तो पृथ्वी के प्रजा बनते हैं, और फिर भी नहीं सुनते हैं तो अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। जलजानव लक्षानी सावर लक्ष विंशति रुद्र कृमि संख्या पंचीनम दश लक्षानाम। तो इस प्रकार से क्रिमसन लक्ष्य पशु चतुर लक्षण मानव। तो इस प्रकार से
वो पशु बनता है, फिर ये बनता है। तो ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, है कोई माइका लाल, या कोई माइका लाल ही कह सकते, कि ये सारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उनका मैं स्रोत हूं, नहीं कह सकता। एक बच्चा पैदा कर सकता है, दो बच्चा पैदा कर सकता है, 10 कर सकता है, 100 कर सकता है, 1000, पर किसी के पास ये कहने का ताकत नहीं कि मैं सबका पिता हूं। ये भगवान कह सकते हैं, और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से इस सारे जीवाओं को कारागार में नाचने के लिए नहीं बुलाया, जलसा या डिस्को ब्रेक डांस के लिए नहीं बुलाया। उन्हें सत्वगुण रजगुण और तमगुण के पास से बांधा जाता है ताकि वो सुधर जाए, कैदी को सुधारने के लिए कारागार में डाला जाए। सत्वम रजस तमा इति गुण प्रकृति संभव निबंधन्ति महाभावम देहे देहि नाम व्ययम्। यह अभय शब्द आपको पूरा दूसरे अध्याय से लेके 12वें अध्याय, 18वें अध्याय तक मिलेगा। अब कर तो है जो कभी घटता नहीं है। तो देहे देही नाम, देह के अंदर उस आत्मा को शरीर में डाला जाता है, अलग अलग प्रकार के कारागार से उसे हाथ कड़ी पांव कड़ी से बांधा जाता है। ये सत्वगुण रजगुण और तमगुण को समझने के लिए फिर से बताऊंगा, हमें किसे स्मरण करना चाहिए, विभीषण को, और किसे समझ करना चाहिए, रावण को और तमगुण को। इस प्रकार से वो बद्ध जीव जो है हे कुंती के पुत्र, वह उन्हें इस प्रकार से तीनों गुणों से बांधा जाता है, उसे उसे जो है सुधारने के लिए। पर कैसे ये तीन गुण, कैसे ये तीन गुण के क्या क्या लक्षण है कृपा करके बताइए। तत्र सत्वम निर्मला प्रकाशम अनामायम सुख संगे न बदन नाते ज्ञान संगे न जानागा। हे अनग, हे पाप्रद अर्जुन, जो सत्वगुण में होते हैं उसे समझने के लिए आप हम किसे स्मरण करेंगे, विभीषण को। विभीषण हमेशा प्रसन्न रहता है और उनका मन एकदम निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, और वो ज्ञान ग्रहण करता रहता है, और वो सुख में के द्वारा बंधा रहता है। वो एक प्रकार से प्रसन्नता का और ज्ञान का अनुभव करता रहता है। ये है, वो अज्ञान से परे रहता है, वो जानता है सही क्या है गलत क्या है, और सही को स्वीकार करता है, गलत को स्वीकार कर त्याग देता है। सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है वो खुद प्रसन्न रहता है, औरों को भी प्रसन्न रखता है। जियो और जीने दो। वो अपना लाभ भी देखता है, औरों का भी लाभ देखता है, और पाप से बहुत बहुत दूर रहता है, जैसे विभीषण। तो इस प्रकार से सत्वगुण है। तो रजगुण, रजगुण का वर्णन भगवान करते हैं, कहते हैं कि रजगुण को समझने के लिए रावण को समझो। रजो रागात्मकम् विधि तृष्णा संग समुद्भव तान निबध्नाय कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्। हे कुंती के पुत्र कौन्तेय अर्जुन, जो रजगुण से, रजगुण का जो है प्रभाव ऐसा रहता है कि जिसके अंदर वो देखता है और चाहिए और चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, पैसा 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 पैसा, 10 रुपया चाहिए, मिल गया तो 100 चाहिए, 100 मिल गया तो
तो 1,000 चाहिए, 1,000 मिल गया तो 10,000 चाहिए, 10,000 मिल गया तो लाख, लाख मिल गया तो करोड़, करोड़ तो अरब, उसका कोई अंत नहीं है। हे कुंती के पुत्र, वो हमेशा तृष्णा तृष्णा तरसता रहता, मुझे और चाहिए, स्त्री पुरुष सुंदर स्त्री और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार से ये जो है हमेशा चिंतित रहता है। अनगिनत उनके अंदर इच्छाएं होते हैं और तृष्णा होते हैं, और इस प्रकार से वो अपने ही कर्म बंधन में फंसा रहता है और हमेशा चिंता में रहता है। और तमगुण, तमगुण को समझने के लिए कुंभकर्ण को देखें, जो सोता रहता है, जग गया तो गाली गलौज करता रहता है, वो अज्ञान में रहता है। जो गलत, जो जो रजगुण में होते हैं, वो अपना लाभ देखते हैं, औरों का लाभ नहीं देखते हैं। वो धंधा करते हैं, चलो भाई दूध का धंधा करते हैं, पानी में तेल मिलाओ, तेल में पाउडर मिलाओ, हमको पैसा मिल रहा है, बाकी का किडनी फिडनी फेल होता है तो हमें क्या है। तो वो अपना लाभ देखते हैं, औरों का नुकसान करा देते हैं, ये रजोगुण। पर तमगुण वाले अपना भी नुकसान करते हैं, औरों का भी नुकसान करते हैं। कुंभकर्ण या तो सोता रहता है, उठ गया तो गाली गलौज, अज्ञान में रहता है, जो गलत है वो करता है और जो सही है वो कभी नहीं करता है। तमस्तव अज्ञान जाम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमदालस्य निद्रा भी तानि बदन्ति मारतां। हे भरतवंशी, भरत अर्जुन, ये तमगुण वाले जो हैं वो हमेशा अंधकार में रहता है, वो गलत चीज को सही मानता है और सही चीज को पूरा गलत मानता है। वो अपना तो नुकसान करेगा ही करेगा, दूसरे का भी नुकसान पक्का करेगा। वो जाएगा फूल के माला लेकर और पहनाएगा इसे मंत्री के ऊपर, खुद भी उड़ेगा और मंत्री को भी उड़ाएगा। हम भी मरेंगे सनम, तुम्हें भी मार के जाएंगे सनम। इस प्रकार से इनका बुद्धि रहता है, वो खुद का भी बर्बादी कर देता है, औरों का भी बर्बादी करता है। यह है तमगुण, उल्टा काम करते रहते हैं। वो ट्विन टावर को भी तोड़ता है और खुद भी मरता है। तो इस प्रकार से जो है ये पागलपन निद्रा इनके अंदर छाया रहता है। हे कृष्ण, कब ऐसा लगता है कि तमगुण हमारे अंदर भी है और सत्वगुण हमारे अंदर भी है, रजगुण, और कौन सा गुण कब हमारे ऊपर हावी रहता है? हाँ अर्जुन, हाँ बताता हूं। ये तीन पहलवान की तरह है, पहलवान नंबर एक, पहलवान नंबर दो, पहलवान नंबर तीन। कभी पहलवान नंबर एक पहलवान नंबर दो और तीन को पटक देता है, फिर कभी पहलवान नंबर दो जोश में आता है, पहलवान नंबर तीन और एक को पटक देता है, फिर पहलवान नंबर तीन आ जाता है जोश में और पहला नंबर एक और दो को पटक लेता है। पर ये चलता रहता है, कभी सत्वगुण रजगुण और तमगुण को पटक लेता है, कभी रजगुण तमगुण और सत्वगुण को पटक देता है, तो कभी तमगुण जो है सत्वगुण और रजगुण को पटक देता है। तो ये चलता रहता है, हम अपने ही जीवन में देख सकते हैं। सत्वम सुखे संजायते रज कर्माणि भारत ज्ञानमावृते तु तमः प्रमादे संजायते उतः। इस सतोगुण जो है मैं जब हम रहते हैं तो हमें समझना चाहिए, जैसे विभीषण प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, ज्ञान के ओर अग्रसर होता है, तो समझ लें सतोगुण हमारे ऊपर जो है हम सतोगुण के आदिन है। जैसे सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा पढ़ाई करो, तब समझ लेना स्नान करने के बाद ऐसा लगता है कि अभी पढ़ाई करो। तो ये सत्वगुण का प्रभाव है, ये हमारे जीवन में। फिर थोड़ी देर के बाद मान लो कि कोई 5 बजे उठ गया,
तो 5 बजे 8 बजे तक, अरे मुझे अभी कॉलेज जाना है, मुझे अभी स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, और एकदम से भाग दौड़ चालू हो जाता है, पैसा पैसा पैसा। तो ये तभी समझ लेना चाहिए क्या है, वो कर्म के चक्कर में भागे जा रहे हैं, कृष्णा चिंता छता रही है, जल्दी पहुंचना है। तो यह है कौन सा गुण, रज गुण। और रात को थक के आता है, अब बोलता है अब कुछ नहीं, और एकदम से दुनिया के कितना भी पड़े हुआ पहलवान क्यों ना, किसी हर एक को जो है पटक पटक के गिराता है, वही पहलवान फुट करके गिर जाता है तमोगुण के प्रभाव से। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, सुबह हम सत्वगुण में रहते हैं, दोपहर को हम जो है रजगुण में रहते हैं, और सत्व रात को तमोगुण में रहते हैं। तो इसे हम अपने जीवन में देख सकते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो अब देखते हैं आज पॉकेट मनी चाहिए, पिताजी का मूड कैसा है देखते हैं, अरे वाह पिताजी का मूड अच्छा अच्छा है, गुड है ये, यानी कि पिताजी मोड ऑफ गुडनेस में, पिताजी पिताजी बोलो बोलो, पिताजी पिताजी बोलो बोलो, पिताजी पिताजी बोलो बोलो, थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा ले लो ना। तो इस प्रकार से, और जो है वो देखते हैं पिताजी आज पॉकेट मनी लेना है, पिताजी पिताजी वो बोलता है अरे पिताजी का मूड बहुत बैड लगता है, वो बैड नहीं है, मूड ऑफ इग्नोरेंस है, तमगुण में, आज हमको 1 लाख चाहिए, 1 लाख के जगह पे 1 लाख मिलेगा, भाई भाई दूर रहो। या गृहिणी देखते हैं पतिदेव का मूड बहुत खुश लग रहा है, अजय सुनो जी हमारे लिए आज, अरे आपके लिए तो आज मैं आकाश से तारे लुटा के लाऊंगा, अरे तारे वारे मत लाओ, साड़ी लेके आओ, ठीक है और बोलो क्या चाहिए, नेकलेस भी अच्छा। तो इस प्रकार से, और देखते कि पतिदेव गुस्से में है तो बोला अरे पतिदेव से आज मांगना ठीक नहीं, क्योंकि पतिदेव जो है क्या है मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, गुस्से में है, तो पूछते नहीं। तो हम भी अपने जीवन में देखते हैं इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस का खेल देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह जब ट्रैफिक पुलिस आता है तो बहुत मजे में हाथ ऐसा करता है वैसा करता है, इधर करता है उधर से, नाचते नाचते सबको जो है मार देता है, और गाता है जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, और समय आगे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, दोपहर हो जाता है तो उसका जो है रूप रंग बदल जाता है, भाव बदल जाता है, फिर वो देखता है वो बोलता है वो क्रोध आता है, जो भी किया हमने किया प्यार से शान से, दोस्तों से प्यार किया दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया। फिर और दोपहर का 4 बज गया 4 5 बज गया तो फिर वो पूरा जो है कंटाल जाता है, फिर आता है उनको गुस्सा, बोलता है जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया, मारूं कि तोड़ू तेरी टांग तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या बस। तो इस प्रकार से सबके ऊपर वो क्रोध दिखाता है। तो तमोगुण रजोगुण का प्रभाव हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, और इसे हमें भगवान कहते हैं इसे देखना चाहिए हमारे ऊपर औरों के ऊपर कैसे लग रहा है, तब हम जो है सच में कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। रजस्तमा चाभ्य चाभ्य भूया सत्वम भवति भारत, रजसत्वम तमा चैव तमा सत्वम रजतताम। इस प्रकार से ये तीनों गुण हमेशा, जैसे वो ट्रैफिक पुलिस में हमेशा सत्वगुण में नहीं रहता है, ना वो तमोगुण में रहता है या रजोगुण में रहता है, कभी जैसे मैंने बताया कभी पहलवान नंबर 1 पहलवान नंबर 2 और 3 को पटक देता है, तो पहला नंबर 2 जोश में आता है, पहला नंबर 3 और 1 को पटक देता है, फिर पहला नंबर 3 जोश में आता है तो पहला नंबर 1 और 2 को पटक देता है। इसी प्रकार से रजोगुण कभी कभी बहुत जोर से हमारे ऊपर प्रभाव हावी हो जाता है, तो सत्वगुण हावी होता है तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं दिखता, पर रजोगुण जब जो प्रभाव दिखाता है तो तमोगुण और रजोगुण सत्वगुण का प्रभाव नहीं दिखता, और तमोगुण का प्रभाव जब दिखता है तो सत्वगुण और
रजोगुण का प्रभाव नहीं देखता, ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, इसे देखना चाहिए अपने जीवन में और उनको जीवन में। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा वेद्यान् विवृदं सत्वमिति उताम। इस प्रकार से जब ये सतगुण बहुत सतगुण हमारे पर का प्रभाव ज्यादा रहता है तो हमारा मन पढ़ाई में लग जाता है और हम प्रसन्न रहते हैं और हम कहते हैं मेरे पढ़ने में लग रहा है दिल यूं। पर इस प्रकार से जो है वो ज्ञान प्राप्त करता रहता है, नौ द्वार से ज्ञान प्राप्त करता रहता है, आंखों से कानों से नाकों से जीवा से नौ द्वार से ज्ञान प्राप्त करता रहता है। पर जब रजगुण प्रभाव का प्रभाव बढ़ जाता है, लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मानां अस्महास्प्रिया रजसी एतानि जयंती विव्रीदे भरतरीशा। और जब जो है रजगुण बढ़ जाता है तो रावण की तरह पैसा 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 पैसा, आओ ना बाप बड़ा ना भैया, ढोल देंगे साग के भैया सबसे बड़ा रुपया। और इस प्रकार से वो या तो पैसे के पीछे भागता है नहीं तो वो लड़की के पीछे भागता है, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर लगती हो, इस प्रकार से उनका मन लोभ से भर जाता है और वो उनके अनेक जो है स्प्रिया रहता है, इच्छा होता है और पैसा चाहिए और पैसा होता है, तो यह है रजोगुण। अब जो है तमोगुण का जब प्रभाव बढ़ जाता है, अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमद मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृदे कुरु नंदन। हे कुरु नंदन अर्जुन, जब तमोगुण हावी हो जाता है वो अपना हित तो जानता नहीं है और दूसरे के हित को भी दूसरे का भी हित नहीं करता है, तो इस प्रकार से वो या तो पागल हो जाता है खुद को खत्म करता है या औरों को भी खत्म करता है या सोया पड़ा रहता है या काम को टालता रहता है, कल करूंगा ना कल करूंगा, आपने बोला ना कल करेगा, हाँ कल करूंगा बोला ना, यानी कि कल आएगा ना कल, अच्छा तो इस प्रकार से काम को टालते रहेगा, तो इस प्रकार से वो अज्ञान में रहेगा, तो यह है कुंभकर्ण जैसे, या गाली गलौज करेगा पागल जैसा। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये तमगुण का प्रभाव है। तो यह है रजगुण तमगुण और सतगुण। हे कृष्ण कृपा करके बताइए कि ये तीनों गुणों का आखिर में प्रभाव जीव के ऊपर मृत्यु के समय कैसे दिखाई पड़ेगा, बताता हूं बताता हूं और अच्छी तरह से बताऊंगा। यदा सत्वे प्रावृद्धे तु प्रलयं यति देहभृत् तदुत्तमविदं लोकान् अमलं प्रतिपद्यते। जब सतगुण का प्रभाव रहता है तो अंत समय जब आता है वो जो है ऊंचे विचार रखता है और उत्तम लोग जहाँ पे अमल ऋषि गण रहते हैं ऐसे वे स्वर्ग लोक के पर महार लोक जन लोक तप लोक के ओर प्रस्थान करता है। और जब कोई रजगुण में ज्यादा रहता है, मृत्यु के समय पे रजसिक रहता है, पैसा पैसा करता रहता है या स्त्री स्त्री करता रहता है, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रालीना तमसी
मुदा योनिषु जायते। रजगुण वाले और तमोगुण वाले के बारे में सुनो अर्जुन, जो रजगुण में होते हैं वो स्त्री स्त्री करता रहता है तो अगला जीवन में वो स्त्री बन जाता है, या पैसा पैसा करता है तो वो जो है मनुष्य लोक में कोई सेठ जी के घर में जन्म लेता है, पैसा 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 गिनता रहता है। और जो तमगुण में मरता है यानी कि वो चीखता चिल्लाता रहता है पागल जैसे, वो या तो कुत्ता बनता है या जानवर बनता है। इस प्रकार से जो है यह जो है प्रभाव उनके मृत्यु के समय में देखा जाता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन अगर मिला है तो हमें चाहे तमगुण रजगुण और सतगुण हो, हमें कृष्ण भक्ति को स्वीकार करके प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से तमगुण वाले हिप्पियों को हैप्पी बना के भगवत धाम भेज दिया, रजगुण वाले अल्बर्ट फोर्ड जैसे अम्बरीश प्रभु जैसे उन्हें पैसे वालों को जो है बड़े भव्य मंदिर बनाने के सेवा में लगा दिया और आध्यात्मिक मार्ग में लगा दिया, और सतगुण वाले जो है साइंटिस्ट जैसे भक्ति दामोदर स्वामी महाराज या परम पूज्य श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज DMBA, उन सबको सतगुण में उनको जो है सीधा ऐसे सेवा में लगा दिया, वो सतगुण से शुद्ध सत्वर भगवत धाम को प्राप्त कर दिए। तो ये मनुष्य जीवन मिला है चाहे हम कोई भी गुण में कृष्ण भक्ति को स्वीकार करें। का कर्मणा सुकृतस्य हु सात्विकं निर्मलं फलं रजसतो फलं दुःखं अज्ञानं तमसा फलं। हमें इस शरीर से भगवत धाम जाना चाहिए क्योंकि अगर हम सत्व गुण में भी रहेंगे वो थोड़ा सा हमें जो है पवित्र क्षेत्र में लेकर जाएगा, जनलोक तपलोक की दिया दी, पर भौतिक जगत में ही रहेंगे। और जिसके बारे में भगवद गीता के आकर लिखा है कि ये भौतिक जगत के आठवें में लिखा है कि आप ब्रह्म भुवना लगे पुनरावृत्ति न अर्जुना, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं। और रजगुण में जो रहता है वो चिंता 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 करता है, और जैसे कहा जाता है चिंता जो है बीमारी से मिलाता है और चिंतन बिहारी से मिलाता है, तो चिंता में रहता है। इसीलिए जो है रजगुण में भी फंसना नहीं, सतोगुण में भी नहीं फंसना है। और जो तमगुण में रहते हैं वो तो जगन्य जो है नीचे के लोक में जाते हैं, और वो जो है बहुत कष्ट का अनुभव करता है, वे अंधकार में रहते हैं, कभी जानवर तो कभी जलचर ऐसे बनते घूमते रहते हैं। सत्वत संजयते सत्वा संजयते ज्ञानम रजो सो लोभ एव च प्रमद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। जो सत्वगुण में होते हैं, जो सत्वगुण में होते हैं वो ज्ञान 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 को संग्रह करता रहता है, प्रसन्न रहता है। और जो तमगुण रजगुण में रहता है वो लोभी बनता रहता है, लोभ 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 लोभ, पैसा 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 पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो इस प्रकार से पैसे के लिए वो कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जो तमगुण में रहता है वो खुद को भी बर्बाद करता है औरों को भी बर्बाद करता है, और गलत काम करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, कर जो करना चाहिए नहीं करना चाहता है। शास्त्र कहता है कि दिन को जागो रात को सो, तो ये उल्टा ही काम करता है, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, ऐसा काम करता है। ऊर्ध्वं गच्छति, सार यह है अर्जुन, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्तः मध्यतिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्तदो गच्छन्ति तामसः। जो सतगुण में होते हैं देह त्यागते हैं तो वो भगवत धाम, या जीवन भर सतोगुण में रहते हैं और अंत समय में सतोगुण में रहते हैं तो वो जो है महालोक जनलोक तपलोक ऊंचे लोक में जाते हैं। पर जो रजगुण में होते हैं पैसा 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 करते हैं या स्त्री स्त्री करते हैं वो मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं फिर से पृथ्वी में। और जो लोग तमगुण में जगन्य गुण वृत्त था
वो अधोगच्छन्ति यानी कि पशु पंछी जलचर बनकर वो नारकीय जीवन व्यापन करते हैं। इन सब से परे होना, इन सब से परे होना, इन सब। हे कृष्ण, क्या इन सब से हम बच सकते हैं? क्या हम इन सब से परे हो सकते हैं? हाँ अर्जुन, हाँ। तो बताइए कैसे ये हथकड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी के पास से मैं कैसे बचूं? नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वा नुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छते। पश्यति पश्यति पश्यति, 13 से लेकर 18 पश्यति, यानी कि उन चीजों को देखो जो नहीं दिखते। 13वें अध्याय बताता है कि शरीर को देखो पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को। इस 14वें अध्याय में बताता है शरीर को देखो, शरीर के बाहर रजगुण तमगुण असतगुण का खेल देखो। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति देखता है कि कोई पढ़ाई कर रहा है तो समझ लेना सतगुण उससे पढ़ाई करा के रहे। जो व्यक्ति लड़ाई कर रहा है तो समझ लेना चाहिए तमगुण उससे लड़ाई करा के ले रहा है। जो व्यक्ति पैसा 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 कर रहा है तो समझ लेना चाहिए सत रजगुण उनसे जो है कार्य करा के ले रहा है। तो इस प्रकार से जो इन बातों को, इन तीनों गुणों का खेल दे सकता है। अरे हाथ पांव तो मेरा खुला है, अरे खुला है पर वो इन आंखों से आप देखोगे तो खुला है दिखेगा, पर ज्ञान के आंखों से देखोगे तो पता लगेगा अरे सतोगुण अच्छा है इसलिए पढ़ाई, अच्छा लड़ाई यानी कि तमोगुण, और पैसा पैसा कर रहा है यानी कि रजोगुण। तो ये खेल जो है कठपुतली का अगर कोई देख लेता है तो वो वास्तव में भगवान कहते हैं, वो इस भौतिक जगत में रहते रहते भगवान वैकुंठ में या वैकुंठ वासी जितना सुख अनुभव करते हैं वो जीते जी यहाँ पर जो है सुख का अनुभव करेगा। तो ये बहुत सरल है, इसे अपने जीवन में हमें तुरंत उतार लेना चाहिए और इसे देखना चाहिए। रावण कुंभकर्ण और विभीषण, और ऐसा करते रहेंगे तो जीते जी हम जो है भगवान जो सुख अनुभव कर रहे हैं ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। गुणानीतान अतीत्यात्रीन देहि देह सम भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ता अमृत अस्नुते। इतना ही नहीं, वो जो इन तीनों गुणों का खेल देखते है जिस प्रकार से कठपुतली को नचाया जाता है, इस प्रकार से हर जीव को कैसे ये तीन गुण नचा रहा है ये देख लेता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख से परे हो जाता है और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम, ये जीते जी इस जगत में अमृत का अनुभव करेगा, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त करेगा। हे कृष्ण, अर्जुन वाच, अर्जुन यहाँ की जो सरल है, सरल जीवन ऊंचे विचार, जो कहता है वो करता है, करता है जो कहता है, यानी कि सरल जीवन यानी कि शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो करता है, और देह त्यागने के बाद, देह त्यागने के और ऊंचे विचार भगवान के बारे में विचार करना है। खेर लिंगे त्रीन गुणाने तान अतीतो भवती प्रभो किमाचर कतम चैतां त्रीन गुणान अति वर्तते। कृपा करके लक्षण बताओ वो व्यक्ति का जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, उनके हाव भाव कैसे होंगे, उन वो कैसे तीनों गुणों को पार करता है। तीन प्रश्न करते हैं, जैसे दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा या 12वें अध्याय में जो बोलते हैं कि शुद्ध भक्तों का, प्रेमी भक्तों का लक्षण बताए, तो ये 14वें अध्याय में बताते हैं कि वो भक्त जो इन तीनों गुणों से परे हो रहे हैं उनके लक्षण बताओ, उनके व्यवहार बताओ और कैसे पार करता है वो भी कृपा करके बताओ, कृपा करके बताओ, कृपा करके बताओ। तो भगवान तैयार है, बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, व्यास मुनि फिर से कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कहने वाले हैं सुंदर महत्वपूर्ण बात, अर्थात हमें कमर कस के बैठना चाहिए,
पीठ की हड्डी सीधा करके बैठना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कोई बातें ना करते हुए सुनते हुए एकटक होके ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण करा देगा। प्रकाशम च प्रवृतम च मोहनम एव च पांडवा नादेष्टि संप्रवृतानि नानिवर्तानि कांक्षति। इस प्रकार से वो जो है मेरे भक्त जो है वो ना जो है ना तो वो किसी से ईर्ष्या करता है, ना तो प्रेम करता है, ना वो पैसे के लिए लोभी होता है, ना वो जो है किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार से जो है किसी और के किसी किसी के और धन के लिए इच्छा करता है, और कोई भौतिक इच्छा करता है। वो सारे मोह से मुक्त रहता है, और वो हमेशा जानता है सही क्या है गलत क्या है, और वो जानता है, वह उत्साहित होकर भक्ति में आगे बढ़ता है, उत्साह निश्चय धैर्य आदि। तो इस प्रकार से उनके उदासीनो वदासीनो गुणेर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त एवं यो आतिस्तति। और इस प्रकार से वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, क्योंकि ये पक्ष वो पक्ष वो जानता है हम सब भगवान के संतान है, कोई बड़ा भाई है तो कोई छोटा भाई है, पर हम सब भाई भाई है, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के संतान है। तो इस प्रकार से वे जानते हैं, कुछ लोग किसी के पक्ष नहीं लेते हैं और सबका शुभ चिंतन करता रहता है, और वो किसी और इस प्रकार से वो गुणों का खेल को देखता है, और वो गुणों से खेल में आता नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, समा दुख सुख स्वस्ता समालोत्स अस्म कांचना तुल्या प्रिय प्रियो दीना तुल्या निंदात्मा संस्तुति। वो चाहे सुख का अर्थ होता है हमें जो चाहिए वो मिल गया, दुख का अर्थ होता है हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए मिल गया खुशी हो जाता है, बच्चे को आइसक्रीम नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। चाहे हमें जो मिले तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना मिले तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाख गुना अच्छा। तो इस प्रकार से वो मंत्री का स्मरण करे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। समालोत्स कांचना, अगर वो देखता है कि वो देखता है कि मिट्टी है तो उसे भगवान का समझ के, भगवान का है, भगवान के सेवा में लगा है। कंचन, वो देखता है तो सोना तो उसे भी भगवान के सेवा में लगाता है, ऐसा नहीं कि सोने को जो है तिजोरी में डाल देता है और मिट्टी को जो है बाहर, नहीं, वो सब कुछ भगवान का भगवान के सेवा में लगा देता है। तुल्य प्रियो प्रियो, कोई उनसे प्रेम करे उनको भी हरे कृष्णा, वो और जो उनसे प्रेम नहीं करे नफरत करे तो उनके लिए भी शुभ चिंता करता है, वो धीर रहता है। वो कोई जिसे जैसे वो मंत्री का राजा ने बहुत डांट का फटकारा निंदा किया तो भी वो बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कारागार में डाला वो बुरा नहीं माना, बोला आज लगता है भगवान चाहते हैं कि मैं कारागार में रहूं, इसी में मेरा जो है भला है। तो इसी प्रकार से वो फिर राजा जब बच गया तो वो उसे जेल में निकाला और बोला कि आपने बहुत मदद किया, इनका गुणगान किया, तो भी बोला नहीं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो नाचने नहीं लगा। जैसे जैसे बैंक का कैशियर जो है वो पैसा आ जाए तो बल्ले बल्ले नाचता नहीं, वो मालूम है बैंक बैंक के लिए पैसा है, और कोई पैसा लेके जाता है बैंक से तो बोले बैंक से वो पैसा लेके जा रहे बात कुछ काम के लिए, तो रोता नहीं है क्या हुआ क्यों हुआ। इसी प्रकार से निंदा स्तुति इनसे वो प्रभावित नहीं होते। मान अपमान यो तुल्या तुल्यो मित्र आरी पक्षयो सब आरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्चते। अब उसके कोई मान दे या अपमान करे इसे महत्वपूर्ण नहीं समझता है,
मान मिले तो भी भगवान का सेवा और अच्छी तरह से करें, अपमान मिले तो और भी अच्छी तरह से सेवा करेंगे, सेवा मुख्य है। तो और उनके मित्र आरी, कोई उनका मित्र भी नहीं और या दुश्मन भी नहीं, दोनों को यही समझता है, हम सब एक ही पिता के संतान है, हम सब भाई भाई हैं, हम सबको प्रगति करना है। सर्व आरंभ परित्यागी, वो कोई भौतिक कार्य शुरू नहीं करता है, वो सबको कहता है कि भक्ति में चलो, मंगल आरती में आओ, 16 माला जप करो। ऐसे व्यक्ति गुणातीत, ये तीनों गुणों से परे हो जाता है। इस प्रकार से वो परे हो जाता है। वो कैसे परे हो जाता है कृष्ण? हाँ, ये तब संभव होता है जब वो अपने भक्ति को निष्ठा के साथ, पूरे पूरे दृढ़ता के साथ कृष्ण के सेवा में लग जाता है। गलती से भी वो गलत काम नहीं करता है, अपराध नहीं करता है। मामचा योग व्यभिचारी ना भक्ति योगे न सेवते, सागुना समतिति तान ब्रह्म भी आया कल्पते। वो व्यभिचारी भक्ति करते हैं, अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। व्यभिचार का अर्थ होता है वो स्त्री जिनका पति है पर वो औरों को और पुरुषों को भी इशारा करती रहती है। नहीं, जो जो सती स्त्री है, पवित्र स्त्री है, वो अव्यभिचारी यानी कि अपने पति के सिवा किसी और को वो जानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। इस प्रकार से वो भगवान के प्रति जो श्रद्धा प्रेम भक्ति है वैसा और किसी पर, वो भगवान का सेवा में पूरे अव्यभिचारी ना सब गुणन समती थी ना, इस प्रकार से वो भक्ति करता है, भक्ति करता है, भक्ति करता है। और जीते जी इतना भक्ति करता है कि दुर्गा देवी जो है कारागार से उनके हाथ कड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी निकाल देता है। वो रजगुण से, तमगुण से पास से उन्हें निकाल देता है। वो रहता है भौतिक जगत में, पर भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त आत्मा की तरह रहता है, अन्य जीव की तरह परेशान नहीं रहता है। वो भगवान का योजना का समझ लेता है और भगवान का योजना का अपना योजना बना लेता है। इसी प्रकार से जैसे कैदी जेल में जो है अच्छी तरह से काम करता है, सेवा करता है, तो जेलर जो है उसके हाथकड़ी, पांवकड़ी, गले की कड़ी को निकाल देता है। बाकी कैदी हाथकड़ी, पांवकड़ी और गले की कड़ी में रहता है, फिर अन्य कैदियों की तरह नहीं रहता, पर वो जेल में रहता है, पर जेल से अन्य कैदियों की तरह नहीं, वो मुक्त रहता है और समय आने पर उन्हें रिहा किया जाता है। ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। और इस प्रकार से वो जो है, मैं जो मेरे ब्रह्म ज्योति में जिस प्रकार से किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है, क्लेश नहीं रहता है, एक ऐसे गगन के तले चले इस प्रकार से सुख अनुभव करता है, वो जीते जी यहाँ पर अनुभव करेगा। और वो जो है देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेगा। मामचा योगा बिचारे न ब्रह्म भी है कल्पते। इस प्रकार से तो ब्रह्म जो है वो निराकार निर्विशेष जो ज्ञानी लोग उसे प्राप्त करते हैं, पर ये ब्रह्म जो है अर्जुन, ये भी मेरे शरीर से ही आता है। तो वो सारे दुखों से परे है। और इस प्रकार से ब्रह्म ही प्रतिष्ठम, इतना ही नहीं जितने भी अमृत तत्व है उसका भी मैं स्रोत हूँ, वो जो है अव्यय तत्व को भी मैं अनुभव करता हूँ, और शाश्वत सुख का जो है मेरा भक्त जीते जी अनुभव करता है। वो जेल में रहता है पर अन्य कैदियों की तरह बंधन में रहता है, मुक्त रहता है। इसी प्रकार से मेरे भक्त जो 3 गुणों का खेल समझ लेता है वो रहता है भौतिक जगत पर, मुक्त रहता है। तो इस प्रकार से हमें भी ये 3 गुणों का खेल देख लेना चाहिए। ये 3 गुणों को समझने के लिए पहले से ही बताया मैंने, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण को स्मरण करे तो ये खेल समझ में आएगा। और ये खेल जिसको समझ में आएगा वो जीते जी भगवान जो सुख अनुभव कर रहे हैं वो सुख अनुभव करें। अर्थात हम सबको अच्छी तरह से भक्ति करना है और 16 माला का जप बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है। जितना हम अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे, और जितना अच्छा भक्त बनेंगे गीता का रहस्य समझेंगे, रजगुण तमगुण
और सतोगुण का खेल समझेंगे, समझ लेंगे, और जीते जी भगवान का योजना को समझ लेंगे, और प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करके अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक कर देंगे। हरे कृष्णा।